हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एंशिएंट गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजेंग उस ओल्ड मैन को बोलता है, मुझे पता नहीं कि तुमने मुझे क्या दिया है, पर मैं फील कर सकता हूं ये मेरी कल्टीवेशन में ग्रेटली बेनिफिट देगा मुझे। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि जो टाइम रोल इस ओल्ड मैन ने यूज किया वो तो सुपर्ब था, तो इसका जो गिफ्ट है वो भी एक्सट्रीमली प्रीशियस होगा। तो दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है, हाँ लुजेंग बड़ा ज्यादा लकी है कि इसे इस तरह का प्रीशियस गिफ्ट मिल रहा है। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देता हूँ, 1500 लाइक के एमएस वीडियो का, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 229 की स्टार्टिंग होती है। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ मैं तो भूल ही गया, ऐसे मैंने ग्रूम को गिफ्ट दे दिया पर ब्राइड को भी तो देना पड़ेगा मुझे। ये जो गिफ्ट है ये थोड़ा सा सिंपल है तो ज्यादा माइंड मत करना। वो फिर अपने पेट पे टच करता है पर एक ब्रेसलेट टाइप को बाहर निकाल लेता है। उसने वो ब्रेसलेट हाथ में पकड़ा होता है, वो बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दो इसके लिए, पर जो मेरी बॉडी में एक इंसान कल्टिवेट कर रहा है वो डिवाइन सीरेलम का है। उसने 1000 ऑफ डिवाइन टूल्स को मेरी बॉडी के अंदर छुपा के रखा हुआ है। मैंने घटिया सा जंक निकाल दिया अंदर से, तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। निंग बोलती है, डिवाइन टूल? एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा है, डिवाइन टूल ये इसके लिए जंक है क्या? ये कैसी बातें कर रहा है? दूसरा बोल रहा होता है कि रिलेशनशिप क्या है लुजेंग और इस ओल्ड मैन के बीच में, ये तो बड़ा ज्यादा जेलस करा रहा है मेरे को। लुजेंग बोलता है कि तुमने ऐसा बोला कि तुम्हारे जो वर्ल्ड के अंदर एक इंसान है उसका ट्रेजर है ये, तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसा पावरफुल पर्सन भी है अभी जो डिवाइन टूल्स को भी यूज कर सकता है। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे याद है जब मैं फेंग नियान्यून की बॉडी में था तो वो जो पीपल थे वो सिर्फ प्रिमिटिव थे, मतलब पुराने जमाने के थे, जिनके पास स्पिरिट विजडम नहीं थी इतनी। उसने 100,000 सालों तक ट्रेन कराया था उन्हें, उसे 100,000 साल लग गए थे उनको डेवलप कराने के लिए जितना भी वो पहुंचे हैं इतनी ज्यादा डेवलपमेंट और न्यूट्रिंग के बाद भी। पर इस ओल्ड मैन की बॉडी डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट को बर्थ दे सकती है, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा पावरफुल होगी? ओल्ड मैन बोलते ठीक है। ओल्ड मैन बोलते कि मैंने गिफ्ट्स दे दिए हैं, तो अब जो वेडिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरा तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हम बाद में बात करते हैं। लुजेंग और निंग बोलती है, शुक्रिया। ज़ुकिन ऐसे ही घूम रही होती है, सोच रही होती है कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन कहाँ पे गया, क्या वो ऐसे भाग गया मेरे गुस्से की वजह से? ज़ुकिन पीछे की तरफ देखती है, वहाँ पे टोस्ट ऑफ एम्प्टीनेस और जी भी आ जाता है। जी बोलते, सिस्टर तुम ठीक हो क्या? टोस्ट ऑफ एम्प्टीनेस बोलते है, ज़ुकिन? ज़ुकिन बोलती है, कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने फाइंड किया कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन गुम हो गया, तो मैं उसको ढूंढती यहाँ पे आ गई हूँ। फिर एंसेस्ट्रल ड्रैगन उड़ के आ जाता है और ज़ुकिन को हग कर लेता है। ज़ुकिन बोल रही है, अच्छा तुम यहाँ पे, चलो चलते हैं, वेल इनकी जोड़ी अच्छी है। वो जो ओल्ड मैन होता है वो छुप के ज़ुकिन की तरफ देख रहा होता है और उसे माइंड मैसेज भेजता है। वो बोलता है कि लिटिल लेडी इस साइड आओ। ज़ुकिन बोलते है, कौन है मुझे बुला रहा? वो भी ट्रू एसेंस को यूज कर रहा है, मतलब साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए। वेल टू बी ऑनेस्ट, ज़ुकिन भी डिजर्व करती थी बेटर। ज़ुकिन ओल्ड मैन के पास चल जाती है। ज़ुकिन सोच रही होती है कि ये जो ओल्ड मैन है जिसने मुझे बुलाया, ये क्यों फाइंड कर रहा है मुझे? वो ओल्ड मैन बोलता है, लिटिल लेडी तुम भी लुजेंग को लाइक करती हो है ना, तो तुम्हें जेलस फील हो रहा है क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा है। ज़ुकिन ब्लश करती है और बोलती है, इसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओल्ड मैन बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास पर्पल एक्सट्रीम इन बॉडी है ना, बिल्कुल ये हो सकता है कि तुम फ्यूचर में लुजेंग के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हो। ज़ुकिन बोलती है, ग्रेट ग्रैंडपा तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ओल्ड मैन बोलता है कि अभी का जो बिजनेस है, मतलब अभी जो हो रहा है वो तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, पर टुमारो मतलब कल तो कोई ना कोई होप होगी। ज़ुकिन बोलती है, मतलब क्या आपका? ओल्ड मैन बोलता है, कैसे तो ये फर्स्ट एड पर्पल इन बॉडी है, इसको ब्लैक पर्पल बॉडी बोला जाता है, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है ना? ज़ुकिन बोलती है, मुझे नहीं पता। ओल्ड मैन बोलता है कि जो ब्लैक पर्पल बॉडी होती है वो एक्सट्रीमली रेयर होती है पूरे यूनिवर्स में, ये ऐसी एग्जिस्टेंस होती है जो कि पूरे एक्सट्रीम रियलम को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर तुम इसे अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे तो तुम एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर बन जाओगे पूरे यूनिवर्स में। ज़ुकिन बोलती है कि आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर लुजेंग से कैसे रिलेटेड है, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ज़ुकिन फिर रुक जाती है और बोलती है, तुम ओल्ड मैन तुम कुछ भी अच्छी चीजें नहीं कर सकते हो। ओल्ड मैन बोलता है, क्या मैं क्या अच्छी चीजें नहीं कर सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली उसकी हेल्प ही कर रहा हूँ लुजेंग की, मैं तुम्हें यही बोल रहा हूँ कि वो असेंड करेगा थोड़े से टाइम के बाद ही, तुम्हारा जो इनिशिएट टैलेंट है, जो स्किल है, वो ब्राइट से बहुत ज्यादा ऊपर है जो ये अभी है। अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर होगी जो तुम्हें सिखाएगी तो तुम आसानी से असेंड कर पाओगी अपर एलम में अपनी ओन स्ट्रेंथ के साथ ही। ज़ुकिन बोलती है, जैसे कि तुमने बोला, अगर मैं अपर एलम में असेंड कर जाऊंगी तो मैं लुजेंग के साथ रह सकती हूँ क्या? और ऊपर से बात यह है कि फिर कोई भी नहीं सोचेगा ऐसे कि मैं उसे डिजर्व नहीं करती हूँ, है ना? ओल्ड मैन बोलता, हाँ ऐसे ही है, पर बात यह है कि जो ब्राइड है वो लोअर एलम में काफी सारा टाइम तक रहेगी नीचे ही, अगर ऐसा मतलब लुजेंग करे कि मतलब खुद नीचे आए और उसको ले जाए ऊपर। ज़ुकिन बोलती है, तो ग्रेट है, प्लीज हेल्प करो मेरे को एक मास्टर को फाइंड करने के लिए। वो तुम नहीं हो है ना मेरे मास्टर? वो ओल्ड मैन बोलते, नहीं मैं नहीं, वो मेरी वाइफ है, प्लीज अपने हाथ को आगे की तरफ करो। ज़ुकिन हाथ को आगे की तरफ करती है, वो ओल्ड मैन एक लाइट को अपने फिंगर पे लाता है और ज़ुकिन के हाथ पे एक स्टार टाइप मार्क कर देता है। ज़ुकिन बोलती है, ये की चीज है? वो ओल्ड मैन बोलता है, ये लोकेटिंग चार्म है, जब तुम नेक्स्ट टाइम पर्पल एक्सट्रीम रियलम में जाओ
जाओगे तो मेरी वाइफ तुम्हें फाइंड कर सकती है इसकी वजह से। जिकुन बोलती है कैसे तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। बोल्डमैन बोलते है कि तुम्हारी कोई भी अच्छी सोच नहीं है कल्टीवेशन के लिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा अगर तुम ऐसे सोचते रहोगे तो। ये तुम्हारी खुद की हैप्पीनेस के लिए है, मतलब तुम्हें एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, तुम समझ रही हो। जिकुन बोलती मैं समझती हूँ। फिर वो आगे की तरफ देखती है, लुजेंग और निंग ऐसे घूम रहे होते हैं। जिकुन चुप होती है। बोल्डमैन सोच रहा होता है कि इस लिटिल लेडी को परसुएड करना तो बड़ा मुश्किल है, मेरे को लगता है बड़ा ट्रबल कॉज करेगी मेरी वाइफ को। ऐसे तो बड़े ज्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरी वाइफ के स्टूडेंट्स बनने के लिए। चलो मैंने फाइनली फिनिश तो कर दिया ये काम, एक फाइन कर दिया। लुजेंग अंदर बैठा होता है निंग के साथ। निंग बोल रही होती है वो ओल्ड मैन कौन था आज। लुजेंग बोलता है मुझे नहीं पता। निंग बोलती है कि तुमने कोई भी डिफेंस सेट नहीं किए थे, तो तुमने ऐसे वो मेडिसिन खा ली जो उसने दी, कुछ गलत हो जाएगा तो। लुजेंग बोलता है मुझे नहीं लगता, तुमने भी तो देखा था उसने मेरे को एक ही झटके में कोलैप्स कर दिया और मेरे माउथ में उस मेडिसिन को भर दिया। निंग चुप होती है। लुजेंग बोलता है ठीक है ज्यादा चिंता मत करो, सब ठीक होगा, हमें आज उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। फिर निंग बोलती है वेल कुछ नहीं बोल पा रही होती है। फिर ऐसे ही एक फनी सा क्लिप है जिसमें वो बोल रहे होते हैं ड्रैगन, अजय ड्रैगन बोल रहा होता है कि सेकंड ब्रदर जाग जाओ, बहुत अच्छा शो लगा हुआ है। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है हाँ ये इतना भी ज्यादा नहीं, ये फिगर ज्यादा इंप्रेसिव, वेल क्या बेशर्म ड्रैगन है। अजय ड्रैगन बोल रहा होता है कि इस टाइम की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है पिछले टाइम से जो वो दूसरी लड़की थी। अजय ड्रैगन बोल रहा होता है कि क्रूशियल टाइम है, मेरे आगे मत खड़े हो जाओ। एंसेस्टर ड्रैगन भी चला रहा होता है, ऐसे मतलब नॉइसेस हो रही होती है, वेल क्या ही बोलूं मैं। एक एक्स्ट्रा पैनल है मतलब फनी सा फर्स्ट नाइट का। जिकिन रूम के बाहर खड़ी होती है, एंसेस्टर ड्रैगन कुछ बोल रहा होता है जिकिन को। जिकिन बोलते है यहाँ पे फन नहीं है, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग प्लेस में लेके जाते हैं ठीक है। एंसेस्टर ड्रैगन भी कुछ बोलता है। जिकिन बोलते चलो चलते हैं। वो एंसेस्टर ड्रैगन को हग करती है और उसे स्मोक कवर करती है और वो पर्पल पैसिव रैलम में चल जाती है। वहाँ पे बड़े स्पोर्ट्स होती है। जिकिन बोल रही होती कि ओल्ड मैन ने वो नहीं बोला था कि मैं उन्हें फाइंड कर लूंगी अपने मास्टर को जैसे मैं पर्पल एक्सट्रीम रैलम में एंटर करूंगी, क्या ये स्कैम है, ये बोरिंग है, तो चलो मैं स्पोर्ट्स से खेलती हूँ। वो सभी स्पोर्ट्स को ऊपर की तरफ उठा देती है। तो वहाँ पे एक शिप में एक लेडी खड़ी होती है, वो भी हैरान होती है स्पोर्ट्स की मूवमेंट को देख के। वो बोल रही होती है क्या हो रहा है, ये कौन यूज कर रहे हैं लार्ज स्पोर्ट्स को, जिसके पास पर्पल पैसिव बॉडी होती है वो इन जॉइंट स्पोर्ट्स को यूज कर सकता है पर्पल रैलम में इनके साथ कम्युनिकेट करके। पर जो स्पोर्ट्स होती है वो इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल प्लेस में चल जाती है यूज होने के बाद। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स यूज हो रही है पर्पल रैलम में तो मेरे को लगता है कि नीटली सही प्लेस पे पहुंचेंगी दोबारा ये। फिर वो नीचे की तरफ देखते हैं जिकिन की तरफ और बोलती है लड़की कौन है, इस लड़की का तो बहुत ज्यादा ग्रेट टैलेंट है, वो इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स को यूज कर पा रही है इसका मतलब, पर मुझे लगता है कि इसको रूल्स का नहीं पता, यहाँ पे मेरे को नीचे जाना पड़ेगा और उसे बोलना पड़ेगा। जिकिन ऐसे उड़ा रही होती है सभी स्पोर्ट्स को ऐसे लाइन में और बोल रही होती है बड़ा सा फन है, मैं इसको और ज्यादा फन बनाती हूँ। एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी बोल रहा होता कुछ। वो जो लेडी आई होती है वो बोल रही होती क्या ये स्वॉर्ड फॉर्मेशन है ब्लेजिंग कलर के, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे देखना कि कोई लोअर एलम का इतने ज्यादा मूव कर पा रहा है। जिकिन ने लिखा होता स्वॉर्ड से कि जो कोल्ड नाइट है वो बड़ा लंबी चलती है, ये सैटर्न में किसके लिए प्ले करूं। वो जो लेडी होती है वो वेल कुछ नहीं बोल पा रही होती, अपने हाथ को सर पे मारती है और सोच रही होती सीरियसली ये जो गर्ल है ये इतनी ज्यादा यंग और टैलेंटेड है, पर ये ऐसी वुमेन क्यों है, ये कि दिल टूटी आशिक बनी हुई है, चलो मैं इससे बात करती हूँ। वो लेडी जिकिन के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी मैन को चूज कर सकते हो कॉस्मोस में जब तुम्हारा टैलेंट जो फ्यूचर में ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तुम क्यों ऐसे लोनली एक्ट कर रहे हो। वो लेडी जिकिन के पास पहुंचती है, जिकिन बोलती है कि मैं यही फील करती हूँ कि कोई भी मैन उसके कंपैरिजन में नहीं है। वो लेडी बोलती है क्या उसके कंपैरिजन में नहीं है, मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ, कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है एक मैन जो कि लोअर एलम का है, ये सिर्फ तुम्हारी आईज जो ओपन ही अच्छी तरह से, चलो छोड़ो इस बात को। जिकिन बोलते तुम कौन हो, क्या तुम मेरे टीचर हो। वो लेडी बोलती टीचर, क्या तुम यहाँ पे टीचर फाइंड करने के लिए आई हो। जिकिन बोलती हाँ। वो सोच रही होती कि ऐसे सीधी से बात की जाए तो मेरे पास कैपेबिलिटीज है इसके टीचर बनने के लिए, क्योंकि मैं अभी गोल्ड रैलम स्टेट की हूँ, पर इसका जो टैलेंट है अगर मैं कुछ गलत करूंगी तो मुझे पर्पल रैलम से निकाल दिया जाएगा, चलो मैं ओवरथिंक करना छोड़ती हूँ, मैं मास्टर को बोलती हूँ इसे एक्सेप्ट करने के लिए, वो ज्यादा अच्छा काम होगा। वो लेडी बोलती है तुम्हारे पास एबिलिटीज है अच्छा टीचर पाने की, वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे, मेरे को फॉलो करो। जिकिन बोलती ठीक है। वो जो लेडी होती है वो बोलती चलो मैं जल्दी से मास्टर को बोल लेती हूँ। वो कम्युनिकेशन रूम से मैसेज को भेज देती है अपने मास्टर को। वैसे शिप में होते हैं, जिकिन वेल खड़ी होती है साइड में। वो लेडी बोलती है जो मेरे मास्टर है वो ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट है पर्पल रैलम के, अगर तुम ज्यादा लकी होगी और उनके द्वारा एक्सेप्ट हो जाओगी तो तुम्हें ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना और उस मैन को भूल जाना है। जिकिन हैरान होती है, बोलती अगर तुम मुझे उसे भूलने के लिए बोल रहे हो तो मैं ट्रेन ही नहीं करूंगी। वो लेडी हैरान होती है, वो बोलते तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और पूरे कॉस्मोस में बहुत ज्यादा कम होते हैं उनके स्टूडेंट बनना, तुम्हें इस चांस को लेना पड़ेगा, जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तुम किसी भी यंग और हैंडसम मैन को चूज कर सकती है इस पूरे कॉस्मोस में, तुम्हें वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि तुम बाद में एंजॉय कर सको। जिकिन बोलती पर मैं उसी के लिए ट्रेन कर रही हूँ, अगर तुम मुझे बोल रहे हो कि उसके बारे में नहीं सोच रहे तो मेरे पास कोई भी रीजन नहीं यहाँ पे आने का और ट्रेन करने का। वो लेडी बोलती है जो बात होती है मार्शल आर्टिस्ट की वो ये होती है कि अपने दिल को स्टील
शील्ड की तरह मजबूत बनाना और फोकस करना खुद के ऊपर ही। दूसरों के लिए कौन करता है, चलो भूल जाते हैं और मास्टर का वेट करते हैं। तभी एक लेडी आ जाती है, वो पहले वाली लेडी उसे ट्रीट करती है और बोलती है मास्टर। जो मास्टर होती है वो बोलती है खड़े हो जाओ। मास्टर बोलते तुमने मुझे बोला कि तुमने एक गर्ल को फाइंड की है जिसके पास टॉप ग्रेड पर्पल पैसिव है, क्या ये वो है? वो लेडी बोलती है हाँ। जी किनकी तरफ देख रही होती है, सोच रही होती ये तो ब्लैक पर्पल पैसिव है। जितने भी मतलब मोस्ट पर्पल पैसिव वो फिफ्थ ग्रेड और लोअर के होते हैं, ऐसे फोर्थ ग्रेड भी बड़े रेयर होती है। मैं तो इसे ज्वाइन करने दूंगी बिना किसी क्वेश्चन के ही, क्योंकि ये तो बड़ा ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। वो मास्टर बोलते तुम्हारा नाम क्या है? वो जिकिन बोलते मेरा नाम ज़ुकिन है। वो मास्टर बोलते ज़ुकिन मैं मास्टर हूँ मैनर ऑफ 10,000 पर्पल्स की, क्या तुम ज्वाइन करना चाहते हो? तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम मुझे एज अ मास्टर चूज करोगे, ज़ुकिन बोलते ठीक है। वो मास्टर बोलती है पर फिर वो भी आसमान की तरफ देखती है जो की मतलब पोएट्री लिखी होती है ज़ुकिन ने। सो गाइस चैप्टर नंबर 229 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।